अब हम लोग पढ़ेंगे टिम्बर के बारे में। टिम्बर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इज डराइव फ्रॉम द ट्रीज दैट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। पहला है एक्सोजीनस ट्रीज एंड दूसरा एंडोजीनस ट्रीज। एक्सोजीनस ट्रीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉनिफेरस ट्रीज एंड डेसीडुअस ट्रीज। कॉनिफेरस को सॉफ्टवुड भी बोलते हैं और डेसीडुअस को हार्ड बोलते हैं। हम लोग देखते हैं एक्सोजीनस ट्रीज। दीज आर द टाइप ऑफ ट्रीज विच आर ग्रो इन बल्क बाई इंक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दीज ट्रीज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर रिंग अलॉन्ग देयर हॉरिजेंटल सेक्शन विच इज एड अप ईच ईयर, हेंस आर बींग टर्म्ड एज एनुअल रिंग एंड आर बींग यूज टू असर्टेन द एज ऑफ द ट्रीज। टिम्बर यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द दीज ट्रीज ओनली। दीज ट्रीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। पहला कॉनिफेरस एंड दूसरा डेसीडुअस। कॉनिफेरस ट्रीज दीज आर द टाइप ऑफ ट्रीज विच नेवर शेड देयर लीव्स अंटिल वन आर ग्रो, हेंस आर आल्सो बींग टर्म्ड एज एवर ग्रीन ट्रीज। दीज आर द ट्रीज दीज आर द ट्रीज बेयर ओन सेव्ड फ्रूट, हेंस आर नोन एज कॉनिफेरस ट्रीज। दीज ट्रीज पॉजेस डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम दीज ट्रीज इज सॉफ्ट लाइट वीक रेजिनस एंड लाइट इन कलर, हेंस दीज ट्रीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज सॉफ्ट वुड ट्रीज। एग्जाम्पल चिर, देवदार, पाइन, स्प्रूस। दूसरा है डेसीडुअस ट्रीज। दीज ट्रीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, दे सेट देयर लीव्स इन ऑटम दैट गेन अगेन ग्रो बैक इन स्प्रिंग। दीज ट्रीज पोजेस इन डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स बट डिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग्स। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम दीज ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड, हैवी, नॉन रेजिनस एंड डार्क इन कलर, हेंस दीज ट्रीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज हार्ड वुड ट्रीज। टिम्बर यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज मोस्टली ड्राइव फ्रॉम दीज ट्रीज ओनली। एग्जाम्पल साल, टीक, ओक, बबूल एक्सेट्रा। दूसरा है एंडोजीनस ट्रीज। दीज आर द ट्रीज विच ग्रो इन बल्क इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मास थ्रू आउट देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हेंस हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। एग्जाम्पल बैम्बू, केन, पाम एक्सेट्रा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज देखो, डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, समझ लो। अब एक करके इन टर्म्स को पढ़ेंगे। पिथ, मेडुला क्या होती है? द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्री इज टर्म्ड एज पिथ। इट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज दैट नरिशेस द ट्री इन इट्स यंग एज। इट इज द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री दैट सिग्निफाइज दैट इट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। एज द ट्री ग्रोज ओल्ड, पिथ सीजेस टू बी एक्टिव एंड रिप्रेजेंट द डिके वुड। दूसरा है हार्ट वुड। द इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट वुड। इट्स कलर इज ऑल्सो कंपेरेटिवली डार्क दैट रिप्रेजेंट द डेड पोर्सन ऑफ द ट्री। इट ऑल्सो डू नॉट टेक प्लेस एनी एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री बट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू इट। फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हार्ट वुड इज मोस्ट सुटेबल इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सैप वुड, इसको एल्बेनम भी बोलते हैं। द आउटर एनुअल रिंग इन बिटवीन द हार्ट वुड एंड कैम्बियम लेयर कॉन्स्टिट्यूट द सैप वुड। दिस पोर्सन ऑफ ट्री टेक एक्टिव पार्ट इन इट्स ग्रोथ एंड इट्स कलर इज कंपेरेटिवली लाइट देन दैट ऑफ हार्ट वुड एंड पिथ। नेक्स्ट है कैम्बियम लेयर,
कैम्बियम लेयर कंसिस्ट ऑफ सैपवुड सैप दैट इज स्टिल नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, हेंस इट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ट्री. इफ ड्यू टू एनी रीजन बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव्ड एक्सपोजिंग द कैम्बियम लेयर द सेल्स ऑफ द वुड सीजेस टू बी एक्टिव दैट फाइनली रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ट्री. नेक्स्ट है मेडुलरी रेज, दीज आर द रेडिएटेड फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू द कैम्बियम लेयर एंड होल्ड द एनुअल रिंग ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड टुगेदर इन पोजिशन देयर बाई इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द टिम्बर सेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. नेक्स्ट है बार्क, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइडेड अराउंड द कैम्बियम लेयर इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ट्री. प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कैसे होता है? प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर इज कैरिड आउट इन फोर डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस. पहला फेलिंग ऑफ ट्री, फिर सीजनिंग ऑफ टिम्बर, फिर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर और आखिरी में प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. अब एक एक करके देखते हैं. फेलिंग ऑफ ट्री, फेलिंग ऑफ द ट्री शुड बी डन व्हेन इट अटेन्स सफिशियंट मैच्योरिटी, व्हेन अटेन्स सफिशियंट मैच्योरिटी. एज इफ अंडर मैच्योर ट्री इज कट इट वुड यील्ड सॉफ्ट वुड एंड इफ ओवर मैच्योर ट्री इज कट इट वुड यील्ड डिकेड वुड. इन आइदर ऑफ द केसेस वुड कैन नॉट बी यूज फॉर इंजीनियरिंग एक्टिविटी. ऑप्टिमम एज फॉर द फेलिंग ऑफ ट्री वेरीज बिटवीन 50 to 100 ईयर्स. द ट्रीज शुड बी कट सच दैट मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वुड इज ऑप्टेंड फ्रॉम इट फॉर विच द कट्स आर मेड एट द सेक्शन जस्ट अबव द ग्राउंड. द फेलिंग ऑफ द ट्री शुड बी कैरिड आउट इन द सीजन व्हेन द मूवमेंट ऑफ सैप इज मिनिमम, हेंस इट इज जनरली अवॉइडेड इन ऑटम एंड स्प्रिंग व्हेन सैप इज इन विग्रस मोशन. इन हिली एरियाज कटिंग ऑफ द ट्री इज डन इन मिड समर एज इन विंटर रेनफॉल अकर्स एंड इन प्लेन एरियाज कटिंग ऑफ द ट्री इज डन इन मिड विंटर एज इन समर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर मे रिजल्ट इन क्रैकिंग. नेक्स्ट इसके बाद आता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर. न्यूली फेल्ड ट्री कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वाटर बाई वेट, हेंस इट इज ड्राइड बिफोर यूजिंग इट एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल. दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द टिम्बर टू मेक इट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज टर्म्ड एज सीजनिंग. दिस वाटर इन टिम्बर इज जनरली प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ सैप एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. दिस वाटर इज आइदर प्रेजेंट इन द वॉइड्स और इन सेल वॉल्स. द फॉर्मर वाटर इज टर्म्ड एज फ्री वाटर एंड द लेटर इज टर्म्ड एज बाउंड वाटर. ड्यूरिंग द सीजनिंग ऑफ द टिम्बर फ्री वाटर इज रिमूव्ड एंड द पॉइंट एट विच इट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इज टर्म्ड एज फाइबर सेचुरेशन पॉइंट. अ वेल सीजन टिम्बर हैज अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 10 to 12%. सीजनिंग ऑफ द टिम्बर कैन बी कैरिड आउट नेचुरली और आर्टिफिशली. नौ मेथड्स देखेंगे ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग. पहला है बॉइलिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, तीसरा किल्न सीजनिंग, चौथा वाटर सीजनिंग और पांचवा केमिकल सीजनिंग. अब एक एक करके देखते हैं. बॉइलिंग, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लॉग ऑफ सुटेबल साइज इज इमर्स्ड इन वाटर टेम्परेचर ऑफ विच इज रेज्ड अप टू द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 hours. Logs are removed from the water and are seasoned naturally. Due to increase in temperature of the log, the rate of evaporation increases that drastically reduces the seasoning period. It is one of the quickest method available for seasoning but is comparatively more costly. Next, electrical seasoning. It is a method of seasoning in which alternating current is passed through the timber section which resists its movement as it is bad conductor of electricity due to which heat is developed which raises the temperature of timber section.
thereby reducing the duration of seasoning more costly. Next है kiln seasoning. It is the method of seasoning in which timber section is placed in a airtight chamber and fully saturated air is forced into it at a temperature of 35 to 40 degrees Celsius. The temperature inside the kiln is then raised due to which the heating of the timber section take place without evaporation. The relative humidity of the air is then reduced that carries out the evaporation of the timber uniformly. Next is water seasoning. It is the method of seasoning in which timber section of suitable size is immersed completely in water and is subjected to the stream of flowing water. The larger portion of the section is placed on the upstream side in order to create the turbulence and carry out the removal of the sap, after which it seasoned naturally. Water that reduces the sap is removed comparatively faster, thereby bringing down the seasoning duration. Panchwa hai chemical seasoning. It is the method of seasoning in which timber section is immersed in the solution of suitable salt that increases the rate of evaporation. Now hum log dekhenge conversion of timber kaise hota hai. The process of giving desired shape and size to the timber section is referred as process of timber, processing of timber. Processing of timber can be carried out by any of the following method. पहला मेथड है ऑर्डिनरी सॉइंग साइंग. इट इज द मेथड ऑफ सॉइंग इन विच सॉ आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग. इट इज द मोस्ट जनरल इकोनॉमिकल एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉइंग साइंग. द टिम्बर सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज लायबल टू ट्विस्ट एंड वार्प ड्यू टू अनइक्वल सिंकेज in sapwood and heartwood. The wastage of timber in this method of sawing is minimum. Hence, this method is found to be uneconomical than any other method of sawing. ये डायग्राम दिया हुआ है. Second है quarter sawing. It is the method of sawing in which the cuts are made at right angle to the each other. Diagram में दिया हुआ है. This method is generally adopted for the sections having indistinct medullary ridges. Sections obtained by this method are liable to bend in transverse direction. Next है tangential sawing. It is the method of sawing in which the cuts are made tangential to the annual ring which meet each other at right angle. डायग्राम में दिया हुआ है. दिस मेथड इज ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर द सेक्शन दैट हैव इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज. सेक्शंस ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड ऑफ सॉइंग आर वीकेस्ट अमंग ऑल एज इन द केस मेडुलरी रेज. मेडुलरी रेज आर ऑल्सो कट विच होल्ड द एनुअल रिंग टुगेदर इन पोजिशन. नेक्स्ट है रेडियल सॉइंग. It is the method of sawing in which the cuts are made parallel to the medullary ridges in radial direction that impart decorative effect to it. Sections obtained by this method are strongest among all, but wastage in this case is comparatively more. Diagram diya hua hai radial sawing ka. Ab hum log dekhenge preservation of timber. Preservation of timber is carried out in order to increase its life, make it more durable and more resistant against the attack of insect, fungi and termite. Preservation of the timber can be carried out by any of the following method. Pehla hai aansu treatment. It is the method of preservation in which timber surface is coated with the solution prepared by addition of arsenic, pentoxide, copper sulfate,
पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट इन वाटर. दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ वाइट एंट. नाउ सेकेंड होता है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सॉल्ट. केमिकल सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट जिंक क्लोराइड मर्करी क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर बाई मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट क्रैकिंग सिंकेज एंड वार्पिंग. थर्ड है कोल तार. इन दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद हॉट तार विच मेक इट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द फायर. द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोल तार इन टिम्बर सेक्शन इज नोन एज टारिंग. एप्लीकेशन ऑफ तार गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड रिड्यूसेस इट्स एस्थेटिक इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रियोजोट ऑयल. क्रियोजोट ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ तार. एप्लीकेशन ऑफ क्रियोजोट ऑयल ऑन टिम्बर सेक्शन ऑलमोस्ट डबल्स इट्स लाइफ. द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रियोजोट ऑयल ऑन द टिम्बर सेक्शन इज नोन एज क्रियोजोटिंग. इन विच लॉग ऑफ टिम्बर इज प्लेस्ड इन एन एयर टाइट चैम्बर एंड क्रियोजोट ऑयल इज एट प्रेशर ऑफ 0.7 to 1 newton पर mm² एंड टेम्परेचर ऑफ 50 degrees Celsius इज पम्प्ड इन टू द चैम्बर दैट रिजल्ट इन अ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ ऑयल ओवर द सर्फेस ऑफ द टिम्बर सेक्शन. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पेंट एंड सोलिग्नम पेंट. ऑयल पेंट एंड सोलिग्नम पेंट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर. डिफेक्ट इन टिम्बर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं. डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन आता है. डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगाई आता है. डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस होते हैं एंड डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग भी होते हैं. अब एक एक करके देखते हैं. पहला है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन. पहला है चिप मार्क. दिस डिफेक्ट इन टिम्बर इज आइडेंटिफाइड बाई द मार्क ऑफ द चिप ओवर द सर्फेस ऑफ फिनिश्ड टिम्बर सेक्शन दैट इज लेफ्ट बाई द पार्ट ऑफ प्लानिंग मशीन. जो प्लानिंग मशीन होती है प्लानिंग डायग्राम दिया हुआ है सबका. चिप मार्क का डायगोनल ग्रेन का टॉर्न ग्रेन का गेन का नॉन डायगोनल ग्रेन क्या होता है. दिस डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाई डायगोनल मार्क ओवर द स्ट्रेट ग्रेन स्ट्रक्चर ओवर द टिम्बर सरफेस विच इज लेफ्ट ड्यू टू इन प्रॉपर सॉइंग. टॉर्न ग्रेन क्या होता है. दिस डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड एज स्मॉल डिप्रेशन ओवर द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द टिम्बर सेक्शन दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ टूल्स ओवर द ड्यूरिंग द कन्वर्जन. नेक्स्ट है वेन. दिस डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाई द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ओवर द फिनिश्ड सेक्शन ऑफ द टिम्बर. अब हम लोग देखेंगे डिफेक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ फंगाई. टिम्बर सेक्शन इज अटैक्ड बाई फंगाई इफ एंड ओनली इफ मॉइस्चर कंटेंट इन इट इज ग्रेटर देन 20% एंड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एयर सराउंडिंग द सेक्शन. नाउ क्या अगर डिफेक्ट होते हैं. डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई ब्लू स्टेन. अ सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई कैरीज आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द टिम्बर सेक्शन लीविंग बिहाइंड ब्लू कलर स्पॉट रिजल्टिंग इन द डिजीज टर्म्ड एज ब्लू स्टेन. नेक्स्ट है सैप स्टेन. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई देयर डू नॉट कैरीज आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द एंटायर वुड बट फीड ऑन इट्स सैप रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ इट्स कलर एंड लीडिंग टू द डिजीज टर्म्ड एज सैप स्टेन. नेक्स्ट है ब्राउन रॉट. इट इज़ अ डिजीज ऑफ द टिम्बर दैट इज कॉज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द सेलुलोज फ्रॉम इट बाई अ सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिश ब्राउन स्टेन ओवर इट्स सरफेस हेंस द डिजीज इज टर्म्ड एज ब्राउन रॉट. नेक्स्ट है वाइट रॉट. दिस डिजीज इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ ब्राउन रॉट इन विच लिग्निन इज रिमूव्ड बाई पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंगाई. नेक्स्ट है ड्राई रॉट.
दिस डिजीज इज फाउंड व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द टिम्बर सेक्शन विच रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई दैट कैरीज आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द वुड एंड कन्वर्टिंग इट इन टू ड्राई पाउडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट है वेट रॉट. दिस डिजीज इज फाउंड वेन द टिम्बर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ड्यू टू विच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगाई ग्रोस विच कैरीज आउट द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द टिम्बर सेक्शन रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रेस स्पॉट ओवर द टिम्बर सेक्शन. नेक्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स होते हैं. सेक्स सेक मतलब क्या होता है. द क्रैकिंग ऑफ द टिम्बर सेक्शन दैट रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ द फाइबर फाइबर पार्शली और टोटली टर्म्ड एज सेक. डिफरेंट टाइप ऑफ सेक कौन कौन से. कप सेक है, देखो डायग्राम दिया हुआ है. हार्ट सेक दिया हुआ है डायग्राम. रिंग सेक का डायग्राम दिया है. स्टार सेक का डायग्राम दिया है. स्टार सेक और हार्ट सेक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. ये हार्ट सेक था. नाउ डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग कौन कौन से. बो कप वार्प ट्विस्ट ये सब होते हैं.